हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों की, क्या कहता है उनकी राशिफल और किस तरीके से होने वाला है उनका भाग्य उदय, चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं आज तुला राशि वालों को किस तरीके से उनको होली से पहले ये करना होगा काम। यदि आप इस काम को करते हैं तो सच में एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने से आप बच जाएंगे। चलिए आज हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जितने भी तुला राशि के जातक हैं इनका जो मन है बिल्कुल साफ होता है। ये किसी भी लक्ष्य को पाने की चाहत रखते हैं और उसके लिए रातों दिन एक कर देते हैं, मेहनत करते हैं उसको पाने के लिए, चाहे वो किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर, किसी भी समय पर मिले, लेकिन ये पीछे नहीं हटते हैं। तो दोस्तों, तुला राशि कुछ इस प्रकार से होते हैं और उनको होली जो है कुछ दिनों बाकी है। होली से पहले यदि आप किसी भी इंसान से यदि कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, यदि सच में आप सत्य सच बोलते हैं, तो आपका जो बिगड़ा हुआ कार्य है वो जल्द ही समापन होगा और जल्द ही पूरा होगा। दूसरा कार्य मैं आपको बताता हूँ, दूसरा कारण है यदि आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते हैं तो आज से ही, अभी से ही अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यदि आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो चाहे आप कितना भी बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हैं उसके लिए आप पीछे हट जाएंगे, आप गिर जाएंगे। इसलिए आप यदि होली से पहले किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा, अपने उस परमेश्वर पे विश्वास करना होगा, तब जाके आपको वो मिलेगी। और तीसरी चीज जो है वो करना है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा और मेरी बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तीसरी बात है, ध्यान से सुनिए, तीसरे नंबर में आपको इस महीने किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को, या किसी भी इंसान को, किसी भी रिश्तेदार को, या किसी भी पड़ोसी को आप गाली नहीं बकिएगा। यदि आप गाली बकते हैं तो वो आपके लिए अशुभ है। किसी को भी आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। इसलिए कितना भी परेशानी आ जाए, कितना भी काम आपका बिगड़ने वाला हो, लेकिन आप अपने मुख से अशब्द मत बोलिएगा, क्योंकि इससे आपका बचाव होने वाला है। और संभल करके चलिए हम आज बात करते हैं फिर चौथे कारण के बारे में, क्या करना है आपको। यदि मेरी समझ में वीडियो आ रही हो तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं चौथे, क्या करना है आपको। अपने मन को भटकने से रोकिए। आपका मन अलग अलग चीज को, अलग अलग वस्तु को पाने की लालच में भटकता रहता है। कभी आप सोचते हैं कि मैं ये पा जाऊंगा, कभी आप सोचते हैं मैं ये कर लूंगा, कभी आप सोचते हैं मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ऐसे अलग अलग तरीकों से मन को खींचना होगा और जिस चीज को सच में आप दिलो और जान से पाना चाहते हैं, जो चीज आप बनना चाहते हैं, उस पे एक फोकस, सीधा फोकस उस पे करना होगा जो सच में आपके लिए जरूरी है और सच में आप बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ चुकी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं, नए मेहमान हैं, तो सब्सक्राइब करके घंटी वंटी दबा दीजिएगा, क्योंकि हर रोज, हर समय, हर क्षण आपके साथ मैं रहता हूँ। तो चलिए मित्रों, आज की बस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ओम हनुमन्ते नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। जय माँ सरस्वती जी, जय माँ लक्ष्मी जी, जय गणेश भोले बाबा जी, जय हो जीन बाबा जी, जय हो पीर बाबा जी, जय माता दी।